हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सारिका ट्यूटोरियल्स। और मैं आज फिर से आप लोग के लिए जेनेटिक्स का एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। और हम बात करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स के। आज हम इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फर्स्ट टर्म, जीन। जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड द जीन टर्म वॉज गिवन बाई जोहानसन। एंड जीन वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फैक्टर बाई मेंडल। मेंडल ने, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मेंडल ने पी प्लांट में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते थे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उस कैरेक्टर को उन्होंने फैक्टर नाम से डिनोट किया था, क्योंकि उस समय तक ये अननोन था कि इसका नाम क्या है। बाद में इसका, इस फैक्टर को हमने जीन के नाम से जाना। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो सेल के अंदर है, और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर के बना हुआ है। जैसा इसमें लिखा है, क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए टाइटली क्वाइल्ड मेनी टाइम्स अराउंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। एंड ये जो पार्ट है डीएनए में वो जीन कहलाता है। एलील इज ए फॉर्म ऑफ जीन। नॉर्मली वी टॉक ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ जीन बिकॉज वन इज़ द डोमिनेंट एंड अदर वन इज़ द रिसेसिव। द डोमिनेंट वन इज़ द रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एंड द रिसेसिव वन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर। एंड देयर इज ए सिंपल रूल विच वी नॉर्मली फॉलो। The dominant is represented by the capital letter. Say, if it is tall, then it is written as capital T, and recessive is represented as the small letter. If it is dwarf, then it is represented as a small t. But sometimes we talk of multiple allele, then we take example of blood group, then we will talk of more than two, but normally there are two forms. If these two genes are of same type, that means both are dominant or both are recessive, the condition is known as homozygous. It can be dominant or it can be recessive. Capital T represent as a dominant and small t is represent as a recessive. In this slide you can see that capital R and the small r are the homozygous. In heterozygous, these two genes are of different type. If one is dominant or other is recessive, then it is heterozygous. In this slide we can see that capital T and small t are the heterozygous, or capital T are the homozygous. Phenotype is the physical appearance. हम इसके physical appearance से ये बता सकते हैं कि ये phenotypically same है या different है। ये जो purple color का flower है ये white color से totally different है phenotypically. Genotype is the genetic makeup. इस slide में हम देखेंगे कि ये तीनों जो purple color के flower हैं इनका phenotype एक है, मगर जीनोटाइप थोड़ा अलग है। और जो वाइट कलर का फ्लावर है ये फिनोटाइप टिपिकली भी अलग है और जीनोटिपिकली भी अलग है। ये जो पर्पल कलर का फ्लावर है इनका जीनोटाइप आप देखेंगे होमोजाइगस, मतलब कैपिटल पी और कैपिटल पी है, और हेट्रोजाइगस कैपिटल पी और स्मॉल पी है। ये पर्पल कलर का इसलिए हो गया है क्योंकि इसका एक पी जो है डोमिनेंट है, इसलिए ये पर्पल कलर हो गया है। और वाइट में दोनों रिसेसिव में आ गए हैं, इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है पी, इसलिए इसका कलर वाइट हो गया है। और ये जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली डिफरेंट है। क्रॉस इज एक्चुअली द ब्रीडिंग ऑफ टू प्लांट्स और रिप्रोड्यूसिंग ऑफ टू प्लांट्स।
इट मीन्स देर इज अ क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट्स एंड द शॉर्ट प्लांट्स. फिलियल मीन्स वी विल टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन विच रिप्रेजेंट F1 एंड F2 जनरेशन एंड सो ऑन. वेन वी क्रॉस टॉल प्लांट विद द शॉर्ट प्लांट एंड नेक्स्ट जनरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन एंड द नंबर टेल्स अस द जनरेशन वी आर टॉकिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन. पनट स्क्वायर इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट. In this, gamete produced by one plant is placed on one side, we can say on the left side, and the gamete which are produced by another plant is placed on other side, we can say in the upper side. These four are the offspring of first generation, or we can say that these four belongs to the first generation of the filial one. So this representation gives us the probability of the genotype or phenotype of next generation if we check or calculated or identify by using the Punnett square. Next term is selfing. If we cross the plant of the same generation, then this term is called selfing. अगर हम एक ही generation की दो plant को आपस में cross कराएंगे तो इस term को या ऐसे condition को हम selfing कहेंगे. Another important term is pure line. Normally we can say when we have a particular genotype being self for more than 5 consecutive generation, that means the generation which shows only one type of genotype. Tall plant is crossed with the tall plant and it automatically gives to the tall plant, this is the F1 generation. तो generation जो एक ही तरह का genotype देगा उसे हम pure line कहेंगे. Monohybrid is the another term. Monohybrid cross is the crossing of plant by taking only one type of character. इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हमने मदर एंड फादर का बस एक ही कैरेक्टर को क्रॉस कराया है जो कि हाइट है. इधर इस साइड में फादर का हाइट है और नीचे वाले साइड में मदर के हाइट को हमने लेकर के उनके जीनोटाइप को क्रॉस कराया है. इसमें हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लिया है इसीलिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा. डाईहाइब्रिड इज द अनदर टर्म. डाईहाइब्रिड इज द क्रॉसिंग ऑफ प्लांट बाई टेकिंग ओनली टू कैरेक्टर. डाईहाइब्रिड में जब हम दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है. इस स्लाइड में हम सीड्स के दो कैरेक्टर को लिए हैं, पहला तो सेप है और दूसरा कलर. ट्राईहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉसिंग ऑफ प्लांट बाई टेकिंग थ्री कैरेक्टर. ट्राईहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस है जिसमें कि हम प्लांट का क्रॉस कराते हैं उसके तीन कैरेक्टर को लेकर के. तो पहला कैरेक्टर हो गया इसका हाइट, दूसरा कैरेक्टर हो गया कलर और तीसरा कैरेक्टर है इसमें पोजिशन. तो ये तीन कैरेक्टर को लेकर के हम जब क्रॉस कराते हैं तो ये ट्राईहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा.